करेंगे कन्नौज से, जहां पर जिला अस्पताल कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में डिलीवरी के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि नर्स किस तरीके से सोती रही और तीमारदार इधर उधर भटकते रहे। वहीं आपको बता दें कि वार्ड में पूछने पर भी अभी किस तरीके से कुछ भी पता नहीं चला, लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। तो परिजनों ने नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। कन्नौज से खबर, जहां पर अस्पताल में डिलीवरी के बाद बच्चे की बिगड़ी हालत। परिजनों का आरोप है कि नर्स सोती रही। एनएससीयू वार्ड लेकर के पहुंचे, लेकिन परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। जिला अस्पताल में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही। तो एसएनसीयू वार्ड में इस तरीके से एक बच्चा था नवजात, लेकिन उसको लेकर के बात करें, जब हालत बिगड़ी नर्स के पास गए परिजन, लेकिन कहीं पे भी नर्स नहीं मिली, भटकते रहे। तो परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। कन्नौज में जिला अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों का आरोप है कि नर्स सोती रही, तीमारदार इधर उधर भटकते रहे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी का बच्चा या कोई अपने परिजन बीमार होंगे। मेरी बहू को 7/37 में, 1/7/37 में बच्चा पैदा हुआ। शाम को बच्चा सही था, बच्चा दूध भी पी रहा था, रो भी रहा था। हमने यहाँ पर नर्स ने कहा सब ठीक है, जच्चा भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। वार्ड में शिफ्ट कर दी गई बहू और बच्चा भी। हम लोग नीचे, हम चले गए नीचे, मिसेज ऊपरी थी, नीचे जाके हम लेट गए। अभी मिसेज जो है करीब करीब 3 बजे करीब वो आई, फिर बच्चा का मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम बच्चे को देखा तो हमने बच्चे को देख के नर्स के पास गए, नर्स अपने केबिन में मौजूद नहीं थी। ये शिकायत है कि बच्चा सीरियस हो गया था TNC वार्ड में, तो उनके अटेंडेंट जो उसमें परिचारिका थी उनको जगाने का प्रयास किया, और इनका आरोप है कि वो आई नहीं है। और जब तक बच्चे को SNCU में पहुंचाया गया तब तक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये इसकी जांच करवाई जाएगी। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अंकित शुक्ला से। अंकित, किस तरीके से लापरवाही सामने आई और अब प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, अब जानना चाहेंगे? जी आलोक, आपको बता दें कि पूरा मामला जिला अस्पताल का है। यहाँ पे के लापरवाही, जो स्टाफ नर्स है उसकी लापरवाही देखने पे आई है। देर रात एक बच्चे की हालत बिगड़ी थी, जिसको लेके जो बच्ची के परिजन हैं, नवजात बच्चा था उसके परिजन हैं, उन्होंने जाके रात को 3 बजे जब स्टाफ को जगाया, तो स्टाफ ने, जैसा कि उनका आरोप है, उनका कहना है कि स्टाफ ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने SNCU वार्ड में कह दिया कि बच्चे को ले, जब तक वो SNCU वार्ड बच्चे को ले गए तो बच्चे की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं जो परिजन हैं, तो जो अस्पताल प्रशासन है, अस्पताल स्टाफ है, उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में जो CMS शक्ति बसु हैं, उनका कहना है कि पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी, जाँच करा के जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिला अस्पताल में लगातार लापरवाहियों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये कुछ देखने में नहीं आता। एक मामला कुछ दिन पहले हुआ था, जो यहाँ से जो प्रसूता उसको रिफर कर दिया गया था, रिफर करने के बाद में बिल्कुल अंकित ऐसे कई मामले सामने आए हैं, कैसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे एक संदेश आ जाए। बहुत बहुत